जय हिंद इंडिया। आज हम बात करेंगे जीएसटी एंड जीएसटी काउंसिल के बारे में। आपने रिसेंटली अभी सुना होगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, 45th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। उसके द्वारा जीएसटी में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी किए गए हैं, बट हम जीएसटी काउंसिल के जो अभी मीटिंग है उसके जानने से पहले हम जीएसटी के बारे में आपको बताना चाहेंगे। जीएसटी के बारे में इसलिए बताना चाहेंगे कि आपको जीएसटी के बारे में तो बेसिकली पता ही होगा, बट एक बार रिवाइज हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन की पॉइंट्स भी हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। हम वीडियो के एक एक पॉइंट करके देखेंगे। पहले देखेंगे व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी होता क्या है। फिर नेक्स्ट देखेंगे जीएसटी के कुछ की पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी कई टाइप्स की होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर स्लैब, जीएसटी को कुछ स्लैब्स में बांटा गया है वो बारे में हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल, जिसकी अभी मीटिंग हुई है रिसेंटली, जीएसटी को मतलब मॉडिफाई करने के लिए, चेंजेस करने के लिए, कुछ नए रूल रेगुलेशन बनाने के लिए या कुछ भी उसमें जो भी काम करना है आगे पीछे या जो भी अपडेट करनी है वो सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए काउंसिल बनाया गया था, जीएसटी काउंसिल। उसके बारे में हम बात करेंगे वो काउंसिल क्या है, उसमें कितने मेंबर हैं, क्या है। उसके बाद जो भी 45th जीएसटी काउंसिल की मीट हुई है उसमें हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और फिर लास्ट में हम वीडियो की समरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी होता क्या है। GST is known as the goods and services tax. GST का फुल फॉर्म होता है goods and services tax. It's a very common things. Now, ये एक indirect tax है। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि जो इंडिया में टैक्स सिस्टम है ना वो दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम होता है उसमें से जो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम होता है उसमें जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गए, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में आते हैं। फिर होता है एक डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में आते हैं और फिर वो कहता है इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम होता है उसमें जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गए, वैट हो गया, वैट बहुत पॉपुलर है, वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये सब टैक्स आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है उसमें 17 ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स थे जिनको इकट्ठा करके मर्ज करके जीएसटी बनाया गया था। जीएसटी ऑटोमेटिकली अगर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को ऐड करके कहीं इनडायरेक्ट टैक्स को इकट्ठा करके जीएसटी बनाया तो ऑटोमेटिकली जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। इसके लिए बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स, बट ये जो सेंटेंस है वन नेशन वन टैक्स ये कम्प्लीटली ट्रूथ नहीं है, बिकॉज हमारे जो टैक्सेशन सिस्टम है इंडिया में वो दो टाइप के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो जीएसटी के बाद जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स में नहीं आए हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही आए हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही चेंज हुआ है तो जीएसटी कैसे हो सकता है वन नेशन वन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही चेंज हुआ है, डायरेक्ट टैक्सेस तो सेम के सेम है। तो बेसिकली जो जीएसटी बना था ना, जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्सेस के हुई कहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस को इकट्ठा करके बनाया गया था। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे लाइक वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटीज हो गए, सर्विस टैक्स हो गए, इन सबको मर्ज करके लगभग 17 अप्रॉक्सिमेट टैक्स थे जिनको इकट्ठा करके जीएसटी बना दिया गया था। तो जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है और वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के बनाया गया था। नाउ कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले फ्रांस ऐसा कंट्री है जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद जो हमारा इंडिया में जीएसटी है वो किस कंट्री के मॉडल पे बेस्ड है, कनाडियन मॉडल पे बेस्ड है। मतलब जो हम जीएसटी का मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं वो कनाडियन मॉडल पे बेस्ड है। कनाडा में जिस टाइप की जीएसटी का मॉडल है सेम ऐसे ही हम भी फॉलो कर रहे हैं। ना जीएसटी इंट्रोड्यूस कब हुई थी, 122 अमेंडमेंट बिल लाया गया था तब हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में, उसके बाद से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई थी। ना ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अमेंडमेंट हुआ था, इसमें 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में। कब इंप्लीमेंट किया था, 1 जुलाई को इसको जीएसटी डे के रूप में भी बोलते हैं और ये 29 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में पास हुआ था और ये टोटली अफेक्ट में आया था 1 जुलाई 2017 से इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया था। ना जीएसटी के टाइप्स होते हैं, जीएसटी के कितने टाइप्स होते हैं, बेसिकली तीन टाइप्स ही होते हैं, बट यूनियन टेरिटरी जीएसटी को भी एक सेपरेट टाइप्स में अगर बताएंगे तो चार टाइप हो जाएगा। पहला हो जाएगा सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, फिर होता है एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, फिर होता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, फिर नेक्स्ट होता है आईजीएसटी, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो कि जब हम कोई सामान बनाया किसी स्टेट ने और दूसरे स्टेट में भेज दिया, इंटर स्टेट जो एक्सपोर्ट करते हैं लाइक एमपी में बना यूपी में भेज दिया, तो उस टाइम पे एस और सी और यूटी कोई जीएसटी नहीं लगेगी, उसमें डायरेक्ट आईजीएसटी लगेगी जिससे स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसको रिजॉल्व करने के लिए। ना उसमें टैक्सेशन के कुछ परसेंटेज है उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। नो स्लैब है, जो टैक्सेशन के स्लैब हैं जैसे 0%, 5%, 12% और एक है 18% एंड 28%। तो जो 0% और 5%, 12% है इसमें नाम दिया गया है कौन कौन सी चीज़ें किस किस में आती हैं। तो जो 0% आता है, 0% मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा, लाइक मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट जो भी होते हैं, फूड ग्रेन्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट मतलब पूरे तो नहीं आएंगे बट जो मिल्क होता है, बेसिक इम्यूनिटीज़ की चीज़ें जो है, मिल्क हो गया, फूड ग्रेन्स हो गए, कर्ड हो गया, एग हो गया, ये सब चीज़ें जो बेसिक नीड की चीज़ें होती हैं खाने पीने के लिए, उसमें नहीं है, कोई भी टैक्सेशन नहीं है, 0% स्लैब में रखा गया है।
फिर एक होता है 5%, 5% में आता है शुगर, स्पाइसेस जो होते हैं, कॉफ़ी, टी, कोल, ये सब चीज़ें जो थोड़ा सा कॉस्टली है, इनमें 5% टैक्स लगाया गया है जीएसटी के थ्रू। फिर है 12%, 12% में जो ज़्यादा महंगी चीज़ें आती हैं, जैसे घी हो गया, बटर हो गया, हम लोग मोबाइल खरीदते हैं, पैक्ड जूस जो आते हैं हम लोग, रियल जूस वगैरह जो खरीदते हैं, कंप्यूटर हो गया, प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड का मतलब होपफुली आपको पता होगा, प्रोसेस्ड फूड मतलब ये होता है कि जो हम नॉर्मल फूड होता है उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस मतलब लाइक गेहूं हो गया, गेहूं से हम आटा बनाते हैं, फिर आटे से ब्रेड बनाते हैं, तो जो ब्रेड बन रहा है वो प्रोसेस्ड फूड में काउंट होता है। टमाटर होता है, टमाटर का टमाटो सॉस बनाते हैं, तो वो प्रोसेस्ड फूड होता है। तो जब उस प्रोसेस्ड फूड का प्राइस देखेंगे तो उसमें 12% जीएसटी एड करके रहता है। फिर हो गया 18% जीएसटी, 18% के स्लैब में आता है हेयर ऑयल, फेस क्रीम, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, फ्रूट जैम, ये सब चीज़ें आती हैं 18% में। वो जो नाम है, लिस्ट है, वो सारा इस वीडियो में बता पाना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे नाम है, लगभग 2000 से 3000 नाम ऐसे हैं, उनको इसमें मेंशन करना मुश्किल है। या 28% हो गए जो ज़्यादा लग्जरियस होते हैं, अकॉर्डिंगली जैसे जितना लग्जरियस चीज़ें हम यूज़ करते जाएंगे उस हिसाब से टैक्स हमें लगता जाएगा। जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें, कार हो गई, हम लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो फुल लग्जरी के लिए, उसमें ज़्यादा टैक्सेशन का सिस्टम है ना। जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जो CGST होती है और SGST होती है उसके बीच में ऐसा रिलेशन होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी हेयर ऑयल पर 18% का GST है, तो जो 18% का GST लग रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि 18% GST स्टेट लेगा, 18% GST सेंटर लेगा, ऐसा नहीं होता। उसमें जैसे कोई हेयर ऑयल 18% GST लग गई तो उसी को 9% सेंट्रल लेगा, 9% स्टेट लेगा। कोई भी प्रोडक्ट में जीएसटी लगेगी तो सिर्फ दो ही टाइप की लगेगी, या तो स्टेट लगेगी और सेंट्रल लगेगी, या तो यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल लगेगी, या तो फिर कुछ नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगी। जब हम कोई प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर देते हैं तो उस टाइम पे डायरेक्ट इंटीग्रेटेड जीएसटी लगती है। इंटर स्टेट जब हम सेल करते हैं कोई प्रोडक्ट तो उसमें IGST लगती है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी में क्या होता है, जैसे 18% टैक्स लगा तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, उस टैक्स को अपने पास रखेगी, उसमें से हाफ ऑफ लाइक 9% अपने पास रख लेगी, बचा हुआ 9% क्या करेगी, डेस्टिनेशन में जहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवरी हो रहा है, जहाँ पे यूज़ हो रहा है, जैसे MP में बना और UP में सेल किया, UP में यूज़ हो रहा है वो प्रोडक्ट, UP में डिलीवर हुआ है लास्ट में, डेस्टिनेशन UP है, तो जो 9% है वो MP को नहीं मिलेगा, UP को मिलेगा बेसिकली। इसीलिए IGST को डेस्टिनेशन GST भी बोलते हैं। होपफुली उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको कि IGST, SGST और UTGST क्या होता है। जैसे मान लो स्टेट में प्रोडक्ट बना तो स्टेट GST लग गया और सेंट्रल GST लग गया। अब कोई प्रोडक्ट यूनियन टेरिटरी में बना, लाइक दिल्ली में कोई प्रोडक्ट बना, तो उसमें स्टेट GST नहीं लगेगा, उसकी जगह UTGST लग जाएगा और सेंट्रल GST लग जाएगा। और जब वही UT का कोई प्रोडक्ट हम भेज देंगे UP में, तो जब हम UP में भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर IGST लग जाएगी वहाँ पे, तो IGST लगेगी। तो IGST का मतलब ये होता है कि सेंटर और स्टेट, इंटर स्टेट के बीच में अच्छे रिलेशन बने रहे और उनका कोई टैक्सेशन के लिए कोई आपस में कन्फ्लिक्ट ना हो ना। GST का काउंसिल बनाया गया था। GST का काउंसिल किस लिए बनाया गया था? GST का काउंसिल इसलिए बनाया गया था कि उस टाइम पे जब कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, रेगुलेशन करना है, उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए GST काउंसिल बनाया गया था। GST काउंसिल का आर्टिकल में मेंशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 279A आर्टिकल में मेंशन है GST काउंसिल के बारे में। GST काउंसिल में मेंबर्स होते हैं। GST काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स होता है ये देखेंगे। टोटल GST काउंसिल में 33 मेंबर्स होते हैं। 33 मेंबर्स में से पहला होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि चेयरपर्सन होते हैं, एक वो हो गए। फिर हो गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, जो स्टेट के रेवेन्यू एंड फाइनेंस के मिनिस्टर्स होते हैं, जो यूनियन में, यूनियन मिनिस्टर्स मिनिस्ट्री में, वो एक वो हो गए, दो हो गए। उसके बाद बचे हुए जो ऑल स्टेट्स होते हैं और कुछ यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेचर होता है, जैसे दिल्ली हो गई, पुदुचेरी हो गई एंड जम्मू कश्मीर हो गए, तो जिन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर है वो और बाकी 28 स्टेट्स, सबसे एक एक स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स जाते हैं। तो टोटल मेंबर्स होते हैं 33। तो एक सेंट्रल का फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस के हो गए एक, फिर उसके बाद बाकी स्टेट्स आ रहे और 3 यूनियन टेरिटरीज के। तो ऑल ओवर 33 मेंबर्स होते हैं GST काउंसिल में। ना अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो 45th GST काउंसिल मीट हुई है, जो 45th GST काउंसिल मीट हुई है अभी रिसेंटली हुई है, कहाँ हुई है, लखनऊ में 17 नवंबर को। इसमें क्या हुआ था, ये इन पर्सन मीटिंग है। अब हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं, इन पर्सन मीटिंग होती है जो कुछ होती है, जो इन पर्सन मीटिंग मतलब होता है जो डायरेक्ट आदमी जाके आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। एक मीटिंग होती है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है, जैसे कोविड के कारण अभी क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं, तो मिलना नहीं चाहते इस टाइम में हाइब्रिड मीटिंग होती है। हाइब्रिड मीटिंग मतलब होता है वीडियो कॉलिंग में मीटिंग हो जाती है, तो उस टाइप की मीटिंग अलग है। लेकिन अभी जो GST की मीटिंग कॉलिंग पे या वीडियो कॉलिंग में हाइब्रिड मीटिंग होती रहती है, लेकिन जो अभी इन पर्सन मीटिंग वो बहुत दिनों बाद हुई, लगभग 20 महीने के बाद बहुत दिनों बाद हुई है। ये 45th नंबर की मीटिंग है, कहाँ हुई है, लखनऊ में हुई है 17 नवंबर को।
इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सोच रहे थे, मतलब पीपल्स वर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा होगा कि लाइक केरला गवर्नमेंट बोल भी रही थी कि जीएसटी में जो है अभी पेट्रोल डीजल को ऐड कर दिया जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने डायरेक्टली बोल दिया पेट्रोल डीजल वॉन्ट बी ब्रॉट अंडर जीएसटी रेजीम। अभी का सीनैरियो ये है कि हमारा ऑलरेडी कंट्री मतलब कोविड जैसे पेंडेमिक से जूझ रहा है, तो ये चीज़ें हम ऐड करना अभी ठीक नहीं है, बिकॉज जो ये पेट्रोल और डीजल है स्टेट को भी बहुत बहुत ज़्यादा रिवेन्यू मिलता है इससे, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इसको मतलब इसके अंदर जीएसटी के अंदर रखा जाए, क्योंकि अगर जीएसटी के अंदर रखा जाएगा तो एक पर्टिकुलर टैक्स सिस्टम बता दिया जाएगा, उतने का ही प्राइस फिक्स कर दिया जाएगा, तो स्टेट्स अपने हिसाब से पैसे वसूल नहीं पाएंगे, इसलिए इसको नहीं रखा गया उसमें। नाउ इसमें दो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे जीएसटी काउंसिल में, अभी जो मीटिंग हुआ उसमें दो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे। तो फर्स्ट डिसीजन मेडिसिन से रिलेटेड है। मेडिसिन से रिलेटेड कैसे है, जो कोविड से रिलेटेड मेडिसिन थी उसमें क्या किया था जीएसटी ने, कुछ 30 सितंबर तक क्या किया था उसमें, एक्साइज ड्यूटीज़ का कंसेशनल जो एग्जिस्टिंग था, एग्जिस्टिंग कंसेशनल रेट मतलब जो अभी तक 30 सितंबर तक का रेट में कुछ जीएसटी कम कर दिया गया था, जो जीएसटी कम किया गया था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक एक्सटेंड किया गया, 30 दिसंबर तक, इसी साल 30 दिसंबर तक उसको क्या कर दिया गया मेडिसिन में जीएसटी को, मतलब उतने ही रेट में रखा गया है, फिक्स ही कर दिया गया है, जैसे बेसिकली वो फिनिश होने वाला था लेकिन उसको फिर इंक्रीज कर दिया गया है। और कौन कौन सी मेडिसिन में, अगर मैं एग्जांपल दूं तो रेमडेसिविर में 5% था, टेसिलोजुम्ब में था नील, बिल्कुल नहीं था उसमें, तो एम्फोटेरासिन बी में भी नील था, एक एंटीकोगुलेंट जो मेडिसिन आते हैं हेपेरिन वगैरह उसमें 5% था, तो उनको दिसंबर थर्ड लास्ट तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। बट उसके साथ एक चीज़ और देखा गया कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स थे उनको 30 सितंबर तक था, तो उनका 30 सितंबर तक ही रहने दिया, उनका एक्सटेंशन नहीं हुआ है, सिर्फ मेडिसिन में हुआ है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में नहीं हुआ है। उसके बाद जो जीएसटी का जीएसटी रेट उसमें भी मतलब कम किया गया है, जो कैंसर की मेडिसिन होती है कार्ट्रूडा वगैरह जो भी मेडिसिन कैंसर्स के लिए होती है उनको 5% में रख दिया गया, लाके जो 12% से 5% में लाके रख दिया गया है। तो अगर ऑल ओवर बोला जाए तो मेडिसिन में जीएसटी को कम किया गया है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आजकल आपने देखा होगा जो मेट्रो सिटीज़ या नॉर्मल शहरों में भी आजकल फूड डिलीवरी ऐप्स के थ्रू हो रही है, लाइक हम फ़ोन से ऑर्डर कर देते हैं जोमेटो या स्विगी से और वो डिलीवरी हो जाता है। ऐसे चीज़ों में क्या होता है, जो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या बोला है, जो हमारा जीएसटी का काउंसिल था उसमें निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि 1 जनवरी 2022 से फूड डिलीवरी ऐप्स में जो जीएसटी कलेक्ट होता है वो डायरेक्ट फूड डिलीवरी ऐप्स क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। अर्लियर ऐसे क्या नहीं होता था, हम आप चाहे जो भी फूड ऑर्डर कर लो, नॉर्मली कोई भी फूड ऑर्डर ऑनलाइन कर लो तो उसमें 100% 5% जीएसटी लगनी ही है, हमेशा 5% जीएसटी लगती है। तो जो 5% जीएसटी लगती है ऑनलाइन फूड डिलीवरी, चाहे 50 रुपये का ही करो, उसमें 5% जीएसटी लिखी रहती है बिल में अगर आप चेक करोगे। तो जो 5% जीएसटी लगती थी पहले क्या होता था, जो रेस्टोरेंट या होटल होते थे वो पे करते थे, पर अभी उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने बोला जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं वो हमें पेमेंट करेंगे। वो हमें पेमेंट इसलिए करेंगे कि जो होटल वगैरह वाले होते थे उन लोग पे नहीं करते थे टाइम से, पे नहीं करते थे तो क्या होता था, लॉस हो जाता था, तो इससे क्या कर दिया, उसको कम कर दिया, लाइक डायरेक्ट बोल दिया कि आप ऐप्स जो है वो रेगुलेट करेंगे, वही डायरेक्ट पे करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज तो ये हुआ है। और कुछ चीज़ों की जीएसटी में बढ़ा दी गई, कुछ चीज़ों का प्राइस जैसे कुछ 5% उठा के 18% में रख दिया है, कुछ को 12% से 18% में रख दिया है। लाइक ये देख लो, आप जो ओर्स होते हैं, जो मेटल इससे निकालते हैं, अयस्क जो होते हैं, आयरन कॉपर एल्यूमिनियम के जो अयस्क होते हैं जिनसे हम मेटल निकालते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ा दी गई, उनका जीएसटी स्लैब में जैसे 5% से 18% में रख दिया है। कर्टन बॉक्स एंड पैकिंग कंटेनर्स इनका 12% से उठा के 18% में रख दिया है। प्लास्टिक्स में इंक्रीज़ कर दिया गया, 5% से 18% में रख दिया गया है। ऐसे कुछ आइटम्स ऐसे में जिनमें इंक्रीज़ भी किया गया है। बट जो इसेंशियल चीज़ें जैसे मेडिसिन हमारे लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब स्पेशली कोविड मेडिसिन, तो उसमें रिड्यूस कर दिया गया, उसमें हमें रिलैक्सेशन दिया गया है। ना हम बात करेंगे कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस क्या होता है, एक ये इंपॉर्टेंट टर्म है कंपनसेशन सेस। जब जीएसटी लॉन्च हुआ था या जीएसटी जब बना था तो बहुत सारे स्टेट्स बिलिंग नहीं थे और वो बोलते थे कि हमें लॉस होगा इस चीज़ से, जीएसटी अगर हम फॉलो करेंगे तो लॉस होगा। ना जीएसटी में लॉस होने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें रिश्योर किया कि अगर आपको कभी लॉस होता है तो उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। वो कैसे करेगी, कंपनसेशन देगी। कंपनसेशन देने के लिए एक लिमिट बनाया गया कि 5 ईयर्स तक ही कंपनसेशन दिया जाएगा। 2017 में लॉन्च हुआ था, 2022 तक कभी भी कुछ लॉस होता है उसका कंपनसेशन गवर्नमेंट देगी। लेकिन अब 2022 आने वाला है तो जीएसटी की जो मीट थी उसमें ये बोला गया कि 2022 में इसको बंद कर दिया जाएगा, जो कंपनसेशन मैकेनिज्म है उसको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 5 ईयर्स का था तो लगभग फिनिश हो रहा है। बट उसके लिए जो स्पेशली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है उन्होंने अब बोला कि नहीं, हमारा ये कंटिन्यू रखा जाए। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम उसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे। लेकिन उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बोली है कि जो कंपनसेशन शेष हम वसूलते थे
कस्टमर से या जिनसे भी हम लोग जीएसटी वसूलते हैं उनका हम जो कंपनसेशन शेयर हम लोग लेते थे वो कंटिन्यू हम लेते रहेंगे, पर वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। उसके लिए एक रीज़न है, रिसेंटली जब कोविड में क्राइसिस हुआ तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया, लोन लिया, लोन लेके स्टेट्स को प्रोवाइड किया मनी फंड। तो अब जो लोन अमाउंट है लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए का, तो वो जो बोरो है या जो लोन है उसको खत्म करने के लिए कंपनसेशन सेस कंटिन्यू चलेगा 2026 तक, लेकिन कंपनसेशन सेस यूनियन मिनिस्ट्री तो वसूलेगी लेकिन वो स्टेट्स गवर्नमेंट्स को नहीं देगी, जो 2022 में खत्म कर देगी। उसके बाद से जो कंपनसेशन सेस होगा वो लोन अमाउंट को खत्म करने के लिए ही इकट्ठा किया जाएगा। नाउ समरी क्या है जीएसटी की, जीएसटी इज अ गुड स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, इस तो कॉमन सी बात है, एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जीएसटी लेने के बाद। इससे सबसे सीधी बात यह है कि अगर टैक्सेशन सिस्टम इजी हो जाएगा, टैक्सेशन सिस्टम जितना इजी हो जाएगा उतना ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे, फॉरेन कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर टैक्स सिस्टम टफ रहता है तो वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनको लगता है इतना सारा टैक्स सिस्टम का स्टेप से फॉलो करना पड़ेगा एंड ऑल, वो समझ में नहीं आता उनको, तो वो इजी तरीका ढूंढते हैं। तो अगर जीएसटी आ गया है तो एफडीआई वगैरह को ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिलेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि जीएसटी की जो काउंसिल बनाएगी वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो बीच बीच में चेंजेस हमें करने होते हैं टाइम से हर चीज़ में इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, तो जो चेंजेस हमें करने होते हैं उस चीज़ के लिए जीएसटी काउंसिल जो बनाया गया उसकी मीटिंग वगैरह होना, टाइम से स्टेप्स लेना उसके, ये सब चीज़ें देखते हैं। ऐसा मतलब एक बहुत ही सही प्लान था, बहुत सही प्लान बनाया गया है जिसके थ्रू इंडिया की टैक्सेस सिस्टम को और इजी और इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।